हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी गेमिंग न्यूज सीरीज को, तो आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए। गेमिंग न्यूज 28th एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार अपडेट्स के बारे में पता चलने वाला है। लाइक दोस्तों प्लेस्टेशन 5 लॉन्च, न्यू प्लेस्टेशन 5 एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में, एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर न्यू जो गेम्स आने वाले हैं, और एक नया स्टोर आने वाला है। तो ये सारे के सारे अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने सीरीज में आने वाली सबसे पहले न्यूज की, जो निकल के आ रही है दोस्तों प्लेस्टेशन 5 के डिजाइन के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो प्लेस्टेशन 5 है द फ्यूचर ऑफ कंसोल गेमिंग, वो लॉन्च कर दिया गया है और उसका जो डिजाइन है हार्डवेयर है हमारे सामने आ चुका है। अब आप लोग जो डिजाइन अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यही है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन PS5 कंसोल का डिजाइन। आप लोगों को काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा होगा, मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद आया है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आप लोगों को प्लेस्टेशन का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट साइड में आप लोगों को कनेक्टर सपोर्ट मिल जाएंगे जिसमें आप लोग अपने USB वगैरह कनेक्टर्स को लगा सकते हैं। राइट साइड में आप लोगों को DVD ड्राइवर का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि पुरानी DVDs या फिर न्यू गेम्स में जो DVDs आएंगी वो भी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पर से जो हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों ही तरफ जो एयर के वेंट्स दिए गए हैं उनमें दोस्तों हमें थोड़ी बहुत लाइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है, जो दोस्तों प्लेस्टेशन 5 को एक नेक्स्ट जनरेशन कंसोल का लुक प्रोवाइड कराता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो कंट्रोलर है वो भी काफी अच्छा है। इस बार उसमें डुअल शॉक नहीं डुअल सेंस यूज किया गया है, यानी कि जो वाइब्रेशंस हैं, जो हैप्टिक फीडबैक्स हैं, वो भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ कि इसके अंदर कितने टेराफ्लॉप्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, कैसे ग्राफिक्स होंगी, जो नई SSD है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी और क्या क्या इसके अंदर में डाला गया है, वो सारी की सारी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाने वाले। हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज की, और एक ओवरऑल आइडिया मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्सक्लूसिव टाइटल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिल्मोरा 9। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैं कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए, जो इफेक्ट्स आप लोग देखते हैं, जो ट्रांजिशंस मैं यूज करता हूँ, वो सभी मैं कहाँ से लाता हूँ और कौन से वीडियो एडिटर का यूज करके मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वो चीज बताने वाला हूँ। मैं यूज करता हूँ दोस्तों वंडरशेयर फिल्मोरा 9, जो कि दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी अच्छा इजी टू यूज वीडियो एडिटिंग टूल है, जिसे बिगिनियर्स भी यूज कर सकते हैं और प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को ज्यादा कुछ एडिटिंग के बारे में नहीं आता है तो बहुत ही ज्यादा इजीली आप लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह देख करके बेसिक एडिटिंग इस सॉफ्टवेयर पे आसानी से सीख पाएंगे। फ्रेम कैसे करना है, क्रॉप कैसे करना है, फुटेज को किस तरीके से एडिट किया जाता है, ट्रांजिशंस कैसे लगानी है, इफेक्ट्स कैसे लगानी है, साथ ही साथ में आप लोगों को ढेरों फ्री इफेक्ट्स इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक दोस्तों ट्रांजिशन हो गया, फ्री ऑडियो हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गए, और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आप लोग ऑलरेडी एडिटिंग करते थे, तो वहां पर आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं फिल्म स्टॉक को। वहां पर आप लोग को हर तरीके के इफेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे देखने के लिए मिलता है वो है दोस्तों Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर जो हम लोग एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, उनके अगर आप लोग कंपैरिजन में फिल्मोरा 9 यूज करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों एक तो यूज करने में इजी रहेगा, आप लोगों के हार्डवेयर को अच्छे से सपोर्ट करता है, लो एंड PC है तो भी, और इतना नहीं दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे ये देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ में कुछ दिन का आप लोगों को फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड कराता है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली जगह गाइस एक बार तो ट्राई कीजिए। लिंक्स आप लोगों को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में आ जाते हैं हम लोग बैक टू द टॉपिक और बात करते हैं प्लेस्टेशन 5 की। तो उसके ऊपर आप लोगों को जो लेटेस्ट टाइटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो बन के आता है एक ऐसा पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन कंसोल जिसके ऊपर ये सारे के सारे गेम्स आप लोग खेल पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज इन्होंने अनाउंस करी है दोस्तों सोनी वालों ने, वो है कि GTA 5 का रिमास्टर्ड वर्जन वो लोग लाने वाले हैं। यानी कि हम लोग खेलते आ रहे हैं दोस्तों GTA 5 और GTA 5 Online बहुत सालों से, लगभग हमारे 6-7-8 सालों से हम लोग इस गेम को प्ले कर रहे हैं। GTA 5 एक ऐसा गेम है जो PlayStation 3 के ऊपर लॉन्च किया गया था, उसके बाद दोस्तों वो PlayStation 4 के ऊपर आया, और देन अब वो फाइनली नेक्स्ट जनरेशन यानी कि PlayStation 5 के ऊपर भी आने वाला है। जी हां दोस्तों, GTA 5 को रिमास्टर्ड कर दिया जाएगा, उसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा DLCs डाली जाएंगी, ऑनलाइन का एक बिल्कुल स्टैंड अलोन वर्जन लाया जाएगा, यानी कि अगर आप लोगों को GTA ऑनलाइन खेलना है तो उसका एक अलग ही वर्जन वो लोग निकालने वाले हैं PlayStation 5 के ऊपर। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है, अगर आप लोग PlayStation 4 है आपके पास में और उस पे GTA ऑनलाइन खेलते हैं, तो आज से लेकर के आप लोगों को जब तक GTA 5 का रिमास्टर्ड वर्जन लॉन्च होता है, मान के चलिए 6-8 महीने, लगभग 21 साल है, तब तक आप लोगों को $1 million एवरी मंथ देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अपने GTA ऑनलाइन के अकाउंट में जाइए और आप लोगों को $1 million मिलेंगे हर महीने। गाइस ये रियलिटी
मत समझ लेना, गेम की बात है। जीटी ऑनलाइन के गेम के अंदर में आप लोगों को $1 million देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे अपडेट्स की, तो वो निकल के आता है दोस्तों स्पाइडरमैन के सीक्वल से। आप लोग इसे बिल्कुल सीक्वल नहीं बोल सकते हैं। स्पाइडरमैन में आप लोगों को दिखाया गया था कि जो एक और कैरेक्टर है माइल्स मोरेलस करके, उसको भी दोस्तों मकड़ी ने काट लिया था। और उसी के बाद की दोस्तों स्टोरी आप लोगों को दिखाई जाएगी स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलस गेम में, जो दोस्तों प्लेस्टेशन 5 के ऊपर एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया जाएगा हॉलीडेज ऑफ 2020 में। चलिए बात करते हैं दूसरे गेम्स की, लाइक दोस्तों हिटमैन 3। यार वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम हिटमैन 2, इतनी बड़ी सक्सेस था, इतना बड़ा गेम था, अच्छी ग्राफिक्स थी, और उसी का सक्सेसर आने वाला है दोस्तों जनवरी 2021 में प्लेस्टेशन 5 के ऊपर। यानी कि हां अभी 6 से 8 महीने हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों उन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, रेजिडेंट ईवल 8। आप लोग देख रहे हैं रेजिडेंट ईवल 2 का रिमास्टर्ड कर दिया, रेजिडेंट ईवल 3 का रिमास्टर्ड कर दिया, तो लोगों का ध्यान ही हट चुका था दोस्तों रेजिडेंट ईवल 8 की तरफ से कि शायद फ्रेंचाइजी लाए या फिर ना लाए। लेकिन भाई रेजिडेंट ईवल को भी लॉन्च कर दिया है, दिखा दिया गया है कि रेजिडेंट ईवल 8 भी आने वाला है प्लेस्टेशन 5 के ऊपर। हां दोस्तों रिलीज डेट का इतना पता नहीं चला, लेकिन इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें नए अपडेट की, तो वो निकल के आता है दोस्तों होराइजन जीरो डॉन से। जी हां होराइजन सीरीज का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है दोस्तों प्लेस्टेशन 5 के ऊपर, और इसका भी रिलीज डेट नहीं पता है। पता है तो सिर्फ इसकी ग्राफिक्स के बारे में और इसका जो स्टोरी का अपडेट हमें मिला है, जहां पर दोस्तों होराइजन सीरीज का पहला गेम एंड किया गया था उसी के बाद से होराइजन 2 स्टार्ट करा जाएगा, और इतनी अच्छी ग्राफिक्स दिखाई गई है। इसी से हमें पता चल जाता है कि जो प्लेस्टेशन 5 है उसकी ग्राफिक लेवल कैसी होने वाली है। और इसी के साथ में कुछ छोटे मोटे गेम्स के बारे में बताया गया, छोटे मोटे नहीं है, गेम्स काफी अच्छे हैं, इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, जैसे कि दोस्तों NBA 2K21 एंड दोस्तों ग्रैंड तुर्शिमो। दोस्तों इन दोनों ही गेम्स की ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही थी। NBA 2K21 में जो पसीना दिखाया गया था भाई कैरेक्टर के ऊपर, या जो डिटेलिंग है ना बिल्कुल रियलिस्टिक देखने के लिए मिल रही थी। और वहीं पर बात करें ग्रैंड तुर्शिमो की, तो वहां पर गेम प्ले फुटेज उतना देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जो आप लोगों को प्री रेंडर्ड फुटेज दिखाया गया है उसके अंदर में भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसी के साथ में दोस्तों चलिए प्लेस्टेशन 5 के इवेंट के बारे में बात और नहीं करते हैं, बस लास्ट गेम जो रह गया दोस्तों वो है प्रोजेक्ट एथिया। लेकिन यार ये प्रोजेक्ट गेम है, यानी कि इससे बनने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। स्क्वायर एनिक्स इसको बना रही है प्लेस्टेशन 5 के लिए एक्सक्लूसिवली, ग्राफिक्स इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाली है, स्टोरी भी नेक्स्ट लेवल होगी, ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। चलिए खैर अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं एंड्रॉइड की कुछ अपडेट्स की, यानी कि एंड्रॉइड गेमिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से न्यूज और अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट लीक गेम के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ऑफिशियली इसको आप लोग प्लेस्टेशन 4 पे खेलते हैं, PCs वगैरह पे एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर। लेकिन रूमर्स से निकल के आ रही है डेवलपर्स के द्वारा कि जो प्रोजेक्ट लीक गेम है ये बहुत जल्दी एंड्रॉइड डिवाइसेस पर आने वाला है, यानी कि आप इसे मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर प्ले कर पाओगे, वही ग्राफिक्स मिलेगी, सेम टू सेम एज इट इज वही मजा मिलेगा। और इसी के साथ में दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जैसे एक प्ले स्टोर है, iOS का अपना खुद का एप्पल स्टोर है, एक और नया स्टोर आने वाला है दोस्तों एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, जिसका नाम हो गया दोस्तों एपिक गेम्स स्टोर। ऑफिशियली PC के ऊपर एपिक गेम्स स्टोर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, रॉकस्टार का अलग मिलता है, यूबीसॉफ्ट का अलग मिलता है, EA का खुद का ओरिजिन है, स्टीम भी है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज स्टोर तो है ही, यानी कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को सभी डेवलपर्स के खुद के स्टोर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एंड्रॉइड पे ऐसा सीन नहीं है, एंड्रॉइड पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर देखने के लिए मिलता है। अगर अनऑफिशियल सोर्सेज पे जाओगे तो टैप मिल जाएगा, और भी ढेर सारे हैं, लेकिन ऑफिशियली प्ले स्टोर ही है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों एपिक गेम्स स्टोर। रिलीज डेट का कुछ नहीं पता है, गेम्स कौन से आने वाले हैं ये कुछ नहीं पता है, बट मैं कहूंगा कि यार हाइप बना के रख लो, बिकॉज एपिक गेम्स स्टोर जब भी कोई रिलीज करता है कुछ चीजें करता है तो काफी बड़ी करता है। आप लोगों ने देखा होगा एपिक गेम्स स्टोर के ऊपर ऑफिशियली GTA 5 को फ्री कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। इससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एपिक गेम्स क्या करना चाहता है, जब वो एंड्रॉइड पे आएगा तो कौन कौन से गेम्स लेकर के आएगा, पेड गेम्स को फ्री करेगा या फिर क्या करेगा, कह कुछ नहीं सकते, लेकिन होने वाला काफी कुछ है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। गेमिंग न्यूज जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही करी है, ढेर सारे अपडेट से आने वाली गेमिंग न्यूज की वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अपना प्यार जरूर दिखाइएगा इस सीरीज के ऊपर, जल्दी से लगकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कांग्रेचुलेशंस अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखी है, आप है हमारे प्राइम मेंबर्स, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं मिलता हूं आप लोगों से गेमिंग न्यूज या फिर और नई धमाकेदार वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, प्रोटेक्ट, बाय बाय।